आयुष्मान भारत के तहत चयनित अस्पतालों में मरीजों के समुचित इलाज को सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा है। आयुष्मान भारत के तहत चयनित अस्पतालों में मरीजों को सुविधा नहीं मिलने की लगातार शिकायतों के मद्देनजर भाजपा अनुसूचित मोर्चा ने एक मांग पत्र सौंप कर हस्तक्षेप की मांग की है। आयुष्मान कार्ड के तहत जितने भी अस्पताल जमशेदपुर महानगर में चयनित किया गया है, उन अस्पतालों में मरीजों को एडमिट नहीं किया जा रहा है और बार बार बहाना बना दिया जा रहा है कि बेड नहीं है, बेड उपलब्ध नहीं है, जबकि उनके पास बेड भी उपलब्ध है मगर वो जो पैसे देते हैं उनका एडमिशन ले ले रहा है, मगर जो नहीं दे रहे हैं, जो आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं उनको वो घुमा दे रहा है और वो मरीज बेचारे ये अस्पताल से वो अस्पताल घूम रहे हैं। इसीलिए हमने डीसी साहब से ये मांग कर रहे हैं कि उन मरीजों को जिस प्रकार ये लोग इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आप जो अस्पताल चयनित हैं इसमें आयुष्मान भारत में, उन पर अगर इस तरह का अगर कार्रवाई हो रहा है तो उस पर जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई किया जाए। शहर में शनिवार को यातायात पुलिस द्वारा वृहत वाहन जाँच अभियान चलाया गया। जिला यातायात पुलिस द्वारा शनिवार को शहर के विभिन्न हिस्सों में वृहत वाहन जाँच अभियान चलाया गया। इस दौरान दो चक्के वाहनों के अलावा ऑटो और सभी तरह के कमर्शियल वाहनों और कारों की भी जांच की गई। हेलमेट नहीं पहनने वालों को जुर्माना ठोका गया, साथ ही ओवरलोडिंग करने वाले ऑटो चालकों से भी जुर्माना वसूला गया। रैफ 106 बटालियन द्वारा सुंदरनगर में निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। सुंदरनगर क्षेत्र के लालटू गोगा गांव को रैफ 106 बटालियन द्वारा गोद लिया गया है। यहां विकास कार्यों का जिम्मा रैफ के कंधों पर है। शनिवार को लगाए गए मेडिकल कैंप में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य जाँच की, साथ ही उचित परामर्श और निःशुल्क दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई। 106 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट राकेश कुमार ने कहा कि रैफ द्वारा गांव में स्वच्छता, शिक्षा एवं जागरूकता कैंप लगाए जाते हैं। समय समय पर हेल्थ कैंप भी किया जाता है। इससे पहले यहां सफाई अभियान किया गया, वृक्षारोपण, उसके बाद जागरूकता अभियान भी इस गांव में चलाया गया। जायसवाल महिला समाज का विस्तार शनिवार को किया गया। इस दौरान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण भी मौजूद थी। समाज द्वारा किए जा रहे कार्यों पर एक लेखा जोखा इस दौरान पेश किया गया, साथ ही आने वाले दिनों में गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला गया। महिला इकाई का विस्तारीकरण करते हुए उन्हें सर्टिफिकेट भी दिए गए। उपाध्यक्ष एकता जायसवाल ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँच सके, महिला समाज का यही प्रयास रहता है। ये जैसवाल महिला मंच की तरफ से कमेटी का गठन और शपथ ग्रहण समारोह आज यहाँ पर में हो रहा है। उनके हाथों से ही ये कमेटी का विस्तारीकरण किया जा रहा है। हाँ, ये महिला समाज की तरफ से हम लोग जो गठन किए हैं, हमारा मेन उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक रूप से सहयोग महिलाओं को देना है। आर्थिक रूप से सहयोग देना है कि मान लीजिए कोई बिलो पावर लाइन वाली जो लेडीज हैं उनको कुछ आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है तो वो हमको देना है। जमशेदपुर एंगलिंग क्लब द्वारा आयोजित एंगलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम आदि राज्यों से प्रतिभागी आते हैं। जमशेदपुर एंगलिंग क्लब द्वारा हर वर्ष इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय जयंती सरोवर में किया जाता है। प्रतियोगिता 24 घंटे यानी डे एंड नाइट अवधि की होती है। अवधि समाप्त होने के बाद सबसे बड़ी और वजनी मछली पकड़ने वाले को पुरस्कृत किया जाता है। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से आए 60 से ज्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। आज क्या हो रहा है? आज हमारे डे नाइट टूर्नामेंट हो रहा है एंगलिंग का। ये जमशेदपुर एंगलिंग क्लब की तरफ से हर साल किया जाता है। 1947 का ये क्लब है और लगभग 72 ईयर्स हो गया इस क्लब का। हम लोगों ने टाइम टू टाइम बहुत सारा फंक्शन किया है, लेकिन ये डे नाइट कंपटीशन ये नेशनल लेवल पर है। यहाँ
डिफरेंट प्रांत के लोग आते हैं, जैसे बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के आसपास के सभी जगहों से लोग आते हैं। जमशेदपुर कॉइन कलेक्टर्स क्लब द्वारा शहर में 24वीं राष्ट्रीय स्तरीय सिक्का एवं स्टाम्प प्रदर्शनी लगाई गई है। जमशेदपुर कॉइन कलेक्टर्स क्लब की ओर से ये 24वीं प्रदर्शनी है जो राष्ट्रीय स्तर की है। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में 37 स्कूलों के बच्चों के अलावा 10 डीलर और 16 टीमें भाग ले रही हैं। सिक्कों का अपना अलग महत्व होता है जो किसी भी देश के इतिहास को दर्शाता है। शहर में कॉइन लवर्स की कमी नहीं है और इस बार इस प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। सिक्का का मतलब मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ पेमेंट, कौड़ी चलता था, बिट चलता था, एक्सचेंज का तरह का उसका भी ज्यादा बोले तो कर में ओरिजिनल सब है। हजार साल हिस्ट्री ऑफ नेशंस इज नोन थ्रू कॉइंस एंड कॉइन क्लब जमशेदपुर का एंडेवर रहा है पिछले 24 सालों से कि कॉइंस में इच्छा, कॉइंस में इंटरेस्ट जागृत रहे। हर साल इस एग्जीबिशन में स्टूडेंट कम्युनिटी, डीलर कम्युनिटी एंड ऑब्वियस ऑफकोर्स कॉइन लवर्स आते हैं, मिलते हैं और अपने जो कलेक्शंस हैं, अपनी जो नॉलेज है उसको दर्शा। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। टैगोर सोसाइटी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रविंद्र भवन में संगीत, नृत्य, तबला वादन और वाद्य यंत्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 9 दिसंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में शहर व अन्य राज्यों से आए 300 से ज्यादा बच्चे भाग ले रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के ट्रस्टी रह चुके स्वर्गीय चंदूलाल भालोटिया की स्मृति में रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन शनिवार को किया गया। शिविर में 100 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया।